डॉक्टर डॉक्टर नहीं लगाएंगे? अच्छा डॉक्टर साहब क्या ब्लेस्ड सो? हाँ ब्लेस्ड सो, बहुत ही इजी वे में स्टार्ट करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं भूमिका बना लेता हूँ, ठीक है। कैमरा है ना फोकस, वो जो डे रियलाइजेशन का है वो डे डालना है तो वो भी डेट है ना, तो मैं इस कैमरे पे फोकस होके बात करूंगा, ठीक है। है ना मोस्टली इसी पे दीदी आप, और दीदी तो नॉर्मली बात करेंगी वो। हाँ मुझे इधर उधर देखनी है। आप जूम रख लेना आप, ठीक है। कैमरा एक्शन, नमस्कार। दोस्तों आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग अपने जीवन जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, एक जीवन जी रहे हैं। ये जीवन किसने दिया है ये नहीं पता है। इसी जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान हैं, बीना दीदी जी। बीना दीदी एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनको एक एनलाइटमेंट हुआ है, जिन्होंने ब्रह्म शक्ति से अपना साक्षात्कार किया है और वो यही सारी चीज़ें पब्लिक तक लाना चाहती हैं। तो मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं आज बीना दीदी से रूबरू हो सकूं। नमस्कार, मैं हूं संजय राजकिशोर और आप देख रहे हैं प्रोफाइल टाइम्स। प्रोफाइल टाइम्स के इस एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट बीना दीदी का स्वागत करते हैं। नमस्ते बीना दीदी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है आपका प्रोफाइल टाइम्स के इस पॉडकास्ट प्रोग्राम पे। और बस आपने टाइम निकाला इसके लिए बहुत बड़ा शुक्रिया आपको कि आप अपने इस व्यस्त वाले जीवन में से टाइम निकाल के और हम जैसे जीवों को, हम जैसे आत्माओं को कुछ ज्ञान दे पा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। बीना दीदी जी आप पहले बताइए कहाँ से आप हैं, किस क्षेत्र से इस धरती के आती हैं और कैसे रूबरू हुई आप उस ब्रह्म तत्व से? जी मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मेरा बर्थ प्लेस कुरुक्षेत्र है और इस समय मैं करनाल में हूँ और करनाल में मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। लेकिन लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते हुए सहज रूप से ही मैंने जो अपने बारे में जितनी भी मुझे परिचय मिला अपना, अगर मैं कहूँ किसी और का परिचय नहीं है, ये पूरा मानव जाति का ही परिचय है कि जिससे हम अनभिज्ञ होते हैं और उसकी तलाश में, सत्य की तलाश में हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और हमें कहीं भी इस अंधकार में पता नहीं चलता कि परमात्मा वास्तव में कहाँ है, क्योंकि ना तो मुझे ये पता होता है मैं कौन हूँ और किसने मुझे जन्म दिया है। एक्चुअली वास्तव में जो अध्यात्म रूप से हम जिन चीजों के क्वेश्चन जो है ना पता करने की चेष्टा करते हैं स्वयं से कि ये संसार कैसा है, ये सृष्टि किसने इसकी उत्पत्ति की है और कहाँ हमारा जो है ना मूल स्थान है और मेरा मूल स्वरूप क्या है। तो जब जैसे मैं भी आपकी तरह थी कि बीना दीदी जो है वो अगर इस सांसारिक जीवन की बात करें तो वो एक शिक्षिका रही है, वरिष्ठ शिक्षिका रही है। शी इज वाइस प्रेसिडेंट इन रेनाउंड कॉलेज और कॉलेज इन स्कूल। शी इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ और रेनाउंड स्कूल, वहाँ पे रही हैं। और इसके साथ साथ ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ी नाकाम पे पहुँच चुकी हैं। बीना दीदी एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि परमात्मा से इनका साक्षात्कार होता रहता है। होता रहता नहीं है,
हुआ पड़ा हुआ है, चल रहा है और चल रहा है। मतलब अगर हम बात करें इस समय की, इस जिस समय हम इस स्टूडियो में और हम बिना दीदी से बात कर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, इस समय भी वो कहीं ना कहीं परमात्मा की ब्लेसिंग है, तभी जाके वो जो बोल पा रहे हैं वो सारी सत्य वाली बातें होंगी। तो ये हम आप जैसे व्यूअर्स के लिए ये चीज लाए हैं, ये इंटरव्यू इसीलिए स्पेशल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो बातें बताई जाएंगी, अगर आप लोग इस बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप धन संचय करने वाले हैं। धन इन द सेंस ऑफ ज्ञान, न कि मटेरियलिस्टिक मनी या पैसा या एक्सैक्टली, तो इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो दीदी, जैसा कि आपने बताया कि आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में बर्थ हुआ और वहां पे आपका बर्थ हुआ, और एक बारी मैंने आपके बारे में सुना था पहले भी पब्लिकली कि आपका बर्थ मंदिर में हुआ था। यस, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। एक्चुअली 1964 में जी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जी, मेरी मदर जो है वो फॉलोअर है, वैष्णव भक्त है जी थे, मतलब तो पिता भी ऐसे ही, और पिता मेरे वैक्सीनेटर रहे हैं, तो उन दिनों में गवर्नमेंट ने उनको सैलरी पार्ट जो था वो नहीं अवेल हो कर पा रहे थे, तो वो भक्त थे, वैष्णव भक्त, तो जो मेरी मदर थी उनकी सेवा भावना से उन्होंने कहा कि आप हमारे मंदिर में आकर के रहिए। तो उन दिनों मेरी मदर जो है उनका जो है वहाँ रहना हुआ, तो उसी बीच में वो प्रेग्नेंट हो गई, बट उसने मुझे जो है एक तरह से अपने हिसाब से अबॉर्ट भी कर दिया। अच्छा अच्छा, जो फैसिलिटी उस समय अवेलेबल थी उसके हिसाब से उसको लगा कि ये जो बेबी है मैं रखना नहीं चाहती, क्योंकि वो सेवा करने में इतनी वैसी रहती थी परमात्मा की, उसको लगता था कि ये बेबी मेरा बाधा बन जाएगा। बट उसके बाद भी जो है उसको ये फील हुआ कि अभी बेबी जो है इधर ही है, और उसने वो विष्णु जो उसका मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो गर्भ के दौरान जो है इतना ज्यादा पाठ किया, इतना ज्यादा उसको याद है कि कहीं मेरे अबॉर्शन का इसके ऊपर जो असर ना हो जाए। तो जब बेबी पैदा हुआ तो टटोल टटोल करके देखा गया, मैं बहुत ही वीक थी, तो तब उन्होंने मेरे को जब बाद में ये बात बताई कि तुम तो प्रभु कृपा से ही बच्ची हो, वो मुझे कम ही उठाती थी, लेकिन वहां पर 4 बजे सब लोग आते थे उस मंदिर में, 4-5 के बीच में जी। तो जो वो आनंदपुर की कुटिया है, तो वहां पर जो बाई जी होते हैं जो उनके हेड थे, तो वो मेरे को अपनी गोदी में रख लेते थे, मेरी मम्मा कम ही उठाती थी मेरे को जी, जी, तो वो कहते थे बेबी मेरे को दे दो, जितनी भी कथा प्रवचन हुआ करते थे तो वो बॉर्न बेबी के ये समझ लो कि सीधा वो वहीं से जा रहे थे। गर्भ के दौरान तो माँ ने किया ही किया वो, लेकिन आफ्टर दैट मेरे को गुरु जो है गोदी में ही मिल गया, तो वो उसका असर था, बट मुझे नहीं पता था। बट जब मेरा नामकरण हुआ तो ब्रह्म सरोवर पे गए कुरुक्षेत्र के, वहां पर उस समय ज्योतिषी वगैरह बैठे होते हैं, जैसे हम नामकरण करते हैं पूछने जाते हैं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, बच्चा कैसा है, तो देन उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये बच्चा जो है आपका सुप्रीम विजडम महामत बनाएगा। मुझे नहीं पता, उन्होंने सोचा कि ये हमारा बच्चा जो है लेक्चरर बनेगा, विद्वान बनेगा, बहुत पढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बच्चा विद्या लेकर के आया, बहुत इतनी बड़ी विद्या लेकर के आया, इसके दाई इसकी बॉडी पे भी निशान होगा। तो मेरे फादर जब घर आए तब 6 डेज हुए थे मेरे को बॉर्न हुए, तो उन्होंने देखा, तो मुझे ये वाली घटना बहुत देर बाद जब जानकारी, तो अपोजिट परिस्थितियों में भी मैं स्टडी करती रही जी जी, तब उन्होंने कहा ये तो ना अपना जो है लेक्चरर बन के ही रहेगी, ये तो पढ़ेगी ही पढ़ेगी, बाकी मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं पढ़ रहे थे उतना जितना मैं पढ़ गई। मैंने भी सोचा यही पढ़ाई होगी,
मैं बड़ी बुद्धि वाली मुझे नहीं पता था मैं बड़ी बुद्धि कब बनूंगी, बट जब मैं ब्लेस्ड सोल बनी, रियलाइजेशन जब मेरे को जो है 21 फरवरी 2013 को रियलाइजेशन हुआ, देन भी मेरे को कोई ऐसा नहीं, एकदम अकस्मात जैसे होता है कि परमात्मा ने कनेक्शन जोड़ दिया। 21 फरवरी मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, 21 फरवरी 2013। हाँ, अब तो मैं यहाँ पे आपको दीदी क्षमा चाहते हुए आपको रोकना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स से बोलूंगा कि आप लोग ब्लेस्ड हैं कि बीना दीदी आपके सामने हैं। 2013 का वो मंजर जो था, वो मंजर या वो रहस्यमयी रात, exactly. उसको रहस्यमयी रात कह सकते हैं, लाइटन होने की रात कह सकते हैं, उस परम शक्ति के साथ जुड़ने की रात कह सकते हैं, उस परम शक्ति के साथ साक्षात्कार, वो फरवरी का कौन सा 21 फरवरी 2013। हाँ जी, और वो पर्सनालिटी, वो शख्सियत हम सबके बीच है, इसके लिए हम लोगों को क्लैप करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये सबकी ब्लेसिंग्स और परमात्मा की ब्लेसिंग जिसके पास होती है, जिसके साथ होती है, तभी जाके संभव हो पाता है वो शख्सियत मनुष्य रूप में या किसी भी रूप में हमारे साथ हो और डायरेक्टली हम उनसे रूबरू हो सके, बात कर सके। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब परमात्मा का कोई ना कोई वहाँ पे आशीर्वाद होगा। तो बहुत धन्यवाद दीदी, मैं बार बार हर एक पड़ाव पे आपको धन्यवाद देता रहूंगा, क्योंकि मैं भी ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़ रहा हूँ और जुड़ा हूँ, राइट। अब बात कर लेते हैं कि कब से आप, जैसे 21 फरवरी 2013 के बाद से आपका जीवन परिवर्तन शुरू हो गया होगा, यस। कैसा लगा उस मोमेंट पे, जब आप थोड़ा डिटेल में बताइए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो इसको हमारे AIRFM पे लोग सुनेंगे इस चीज को भी, तो वो लोग रिलेट कर पाए कि अगर एक जीव आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होता है, क्या फील हुआ था उस समय, कुछ यादें बताइए उस मोमेंट का। जिस दिन 21 फरवरी 2013 था, तो उस रात को मैं ओशो की बुक पढ़ कर के सोई थी जी, और लगभग 2-3 मंथ से मैं पढ़ रही थी जी। तो मुझे नहीं पता था कि, क्योंकि मुझे अपनी गलती उसमें समझ आ रही थी कि मेरा मन चंचलता में किस तरह से जा रहा है जी। और जहाँ मेरी गलती थी, मैंने उस गलती को उनका मैं थैंकफुल भी करना चाहूंगी कि शायद वो बुक मेरे लिए जो है एक आइडियल संत की, मेरे लिए वो साइंटिस्ट की, वो इतना बड़ा जो है मेरे लिए एक उसके साथ रिलेशन जोड़ने, एक रिलेटिविटी मेरे को समझाने जा रही है, एक मेरे अंदर एक साइंटिस्ट पैदा करने जा रही है। मैं नहीं जानती थी कि 2-3 महीने पहले ही मैंने उस बुक को पढ़ा था और लिया था। हालांकि मैं स्पिरिचुअल साइड में हमेशा जाती रही हूँ और कृष्णा शक्ति जो है उससे मैं रूबरू होना चाहती थी, लेकिन मेरी डेप्थ में थी कि मैं उस रास को देखूँ, उस महारास को देखूं, उस अमर प्रेम को देखूं, उस ट्रुथ का पता चले कि परमात्मा इश्क और आशिकी क्या होती है। उसके वो यहाँ पर नहीं है, इस संसार में नहीं है। वो आशिकी कौन सी आशिकी होती है, जो बॉडी से परे की है, लेकिन जिस समय मुझे उसने ब्लेस्ड सोल बनाया, वो बनाया तब जब 27 फरवरी की रात आई। पहले मेरी जागनी हुई, यानी कि मैं होश में आई, मैं सोई हुई थी, मुझे पता चला कि मैं जितना टाइम मेरे 48 ईयर्स गुजरे हैं लाइफ के, 1964 से 2013 तक जो मेरे लाइफ का जो पार्ट चला, वो मेरी जर्नी थी नॉर्मल, और मुझे अब डेस्टिनेशन जो है उसके साथ कनेक्टिविटी से मिल गया। और सबकी जर्नी यही है जी, और सबका संघर्ष इसी धरती पे है। 21 फरवरी 2013 और एनलाइटमेंट, हाँ, और 27 फरवरी 2013 ब्लेस्ड सोल, ओके। इन दोनों में अंतर है जी, इसको थोड़ा और डिटेल करके। 21 फरवरी 2013 को होता है कि धरती से आकाश का कनेक्टिविटी, ओके, वाईफाई कनेक्शन, अरे वाह, योग शक्ति। दोस्तों, आज के इस युग में हम लोग 5G का एरा आ चुका है, टेक्नोलॉजी हर बार कुछ न कुछ एक नए जनरेशन में होता है। लोग बोलते हैं 5G होगा तो हम वीडियो कॉल कर पाएंगे, 5G होगा तो हम विदाउट ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर पाएंगे। हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो
2013 में ही 5G नहीं 7G में चल रही थी, वो ब्रह्मांड की बिल्कुल तालियां होनी चाहिए उस शक्ति से जाके कनेक्ट हो पा रही थी, वहाँ पे बातें कर पा रही थी, और वो चीज़ें आज भी इनके जहन में है जो कि हम लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेट्रोज लाइफ, रूटीन, मॉडर्न लाइफ में रहते हुए भी अगर आप उस आत्मशक्ति को याद कर पा रहे हैं तो ये ब्लेसिंग ही है, और नहीं तो क्या। जी दीदी बताएं। तो वो 21 फरवरी 2013 को मेरी जैसे ही मेरे अंदर से वो चीज विदा हो गई, एक नया बुद्ध प्रकट हो गया, जिसको बुद्ध की मिस्ट्री में भी आप पढ़ते रहे हैं कि बुद्ध एक रूह की बात करते हैं, एक आत्मा की बात करते हो। आई थैंकफुल कि बुद्ध ने यहाँ जो है जिस तरह से दुनिया को अपने फुटप्रिंट दिए, लोग उसको समझ नहीं पाए, तो शायद उससे नेक्स्ट वाला जो पड़ाव था जो मेरे 5-6 डेज से, वो मेरे वैसे ही थे जैसे कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कौन बताएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं हूँ, तो जस्ट इतने सारे जो है क्वेश्चन दिमाग के अंदर जा रहे थे कि कौन मुझे बताएगा कि मैं किधर को आई। इधर वाले सब लगते हैं अपने, बट अपने नहीं लग रहे हैं अभी तक। जैसे होता है कि मैं इनके साथ एक ऐसी जगह पर बैठी थी जो है नहीं, वास्तव में है और है नहीं का भेद कैसे क्लियर होगा, शर और अक्षर शक्ति कैसे क्लियर होगी, उस समय नहीं आ रही थी मेरे दिमाग के अंदर, कुछ भी नहीं आ रहा था, बट मुझे एक क्वेश्चन चाहिए था जो मेरे साथ ऐसे मनवजियां बधाइयां सतगुरु मैं पाया, बस ये की लाइन घूमे जा रही थी कि वो मैंने वो जो पाया है सतगुरु है, वो वास्तव में मेरी आत्मा थी जिसके साथ मेरा रूबरू हुआ था। उसको सतगुरु ही बोला जाता है। जब हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, ये हमारी प्रकृति है, सनातन शक्ति है जो जिसकी जो थी तीन जो है फंडामेंटल जो बटन है हमारे सतरज तम की शक्ति है। ये कोई छवि नहीं है, कोई एक प्रतीक चिन्ह भी अगर कहें वो दिए गए हैं हमें समझने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर है वो एक परमात्मा की शक्ति को समझने के लिए ही बना है। ये जो माया बनी है जिसको हम सुनते हुए आ रहे थे ये स्वप्न है, तो आज वो उस दिन मेरा स्वप्न भंग हुआ था। अच्छा, यस, वो कनेक्शन हुआ, इधर स्वप्न भंग हुआ और उधर वो सूरत प्रकट हो गई। तो आपने जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डिनर करके सो गए, तो आपने भी उस दिन वही किया, आपने खाना खाया सोया और उस मोमेंट पे आपको ऐसा आभास हुआ? नो, मैं जैसे याद करके सोती हूँ कुछ भी। अच्छा, मतलब मेरी हैबिट रही है, या तो मेरा बर्थ प्लेस कह लो कि मुझे एक, अगर मैं बड़े अर्थों में आज कहूँ तो मुझे सत्य की तलाश के साथ साथ इश्क वाला चाहिए था। ओके, मतलब उनके प्यार आशिकी चाहिए, मुझे आशिकी चाहिए। यहाँ पर अगर हम किसी का नाम लेते हैं आशिकी का या प्रेम का नाम लेते हैं तो कृष्ण की मूर्त आ जाती है। तो कृष्ण इज द सिंबल ऑफ लव, लव का भी कहें तो लव भी उसी का, शक्ति भी उसी की, प्रेम भी उसका, वो पूर्ण ब्रह्म है। राइट, तो जो पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है वो कैसे है, कृष्ण के जन्म से कैसे आई है, उसका बर्थ लेना ही सारे दरवाजों को खोलने जैसा ही है। तो जब आपके कृष्ण शक्ति का उदय होगा, तो जैसे कृष्ण ने जन्म लिया जब देवकी वसुदेव से, कहाँ पर जन्म लिया, जेल के अंदर। जेल के अंदर, यानी कि हम सब जेल के अंदर ही होते हैं, गर्भ जून के अंदर होते हैं तो जेल के अंदर रहता है। तो गर्भ जून के जितने भी दरवाजे थे अपने आप खुल गए, उसकी मिस्ट्री हम आगे बताएंगे आपको। क्योंकि उसी शक्ति के ऊपर जो है परमात्मा की तीन शक्तियां जो है विराजमान थी, जिसमें शर की शक्ति भी थी, अक्षर की भी और अक्षरातीत की भी। हम प्रमाण के साथ आपको बताएंगे कि ये रात किस किस में जी है। जी, तो दीदी थोड़ा और डिटेल में बताएं आप, कि जैसे आप बता रही थी कि आपने कुछ याद किया प्रभु को, और फिर जो वो जर्नी थी, वो जो आपका यात्रा था ब्रह्मांड का, गैलेक्सी का,
वो कैसा रहा, वो थोड़ा बताइए। क्योंकि जब तक हम होश में नहीं आते या स्वप्न भंग नहीं होता या जिसको हम मोह भंग कहते हैं या ऐसे कह सकते हो कि लिमिटेशन वाली नियम वाला एरिया, ये एक ऐसा ले सकते हो कि ये जो आपका ये माया है, परमात्मा की माया यानी कि उसकी शक्ति, जैसे एक परमात्मा का छदम स्वरूप, छदम स्वरूप को कहते हैं प्रतिबिंब, ये परमात्मा की शक्ति के साथ ही उसका प्रतिबिंब भी होता है। जैसे मान लो हमारी प्राण तत्व जैसे है, प्राणों की शक्ति है हमारे, हमारे श्वासों की शक्ति, ये श्वास रहते हुए उससे कनेक्टिविटी जब हो जाती है तो कहते हैं जीते हुए जी मर के दिखाओ। तो जीवित रह करके मरने का जो रहस्य है, जब कयामत, कयामत वर्ड उसको कहते हैं कि जब आत्म भी परले हो जाती है, ये आत्मा के साथ कनेक्टिविटी थी पहले जो 21 फरवरी 2013 को थी, ये परमात्मा के साथ योग शक्ति के साथ मेरी कनेक्टिविटी थी, उस योगेश्वर स्वरूप को मैं देखने जा रही थी। तो उसके बाद जब 2013 को वो रात कयामत की रात है जिसमें आत्मा भी परले हो गई, उसको कयामत बोलते हैं जब कुछ भी नहीं रहता। तो आपने दीदी पहले जैसे हमारी आपकी पहले मुलाकात हुई थी, मैं आपका दर्शन करने आया था, तो आपने बताया था कि आपकी जो ये भौतिक शरीर है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। हाँ, डिस्ट्रॉय ब्लास्ट हो गया था। वो कयामत में होता है जी। फर्स्टली जब मेरे को नहीं पता था, उस बात को जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ, अदरवाइज क्योंकि इस रात को ये वैज्ञानिक क्रिया है बट वैसी नहीं है जिस तरह से विज्ञान समझता है। बट विज्ञान के अंदर टोटली जैसे ये बॉडी हमारी है वैज्ञानिक ही है, इसके अंदर तांत्रिक विद्या के साथ हमारी बॉडी को जोड़ा जाता है, यानी कि परमात्मा की माया शक्ति के साथ हमें जोड़ा गया है, वो परमात्मा की योग शक्ति होती है। जैसे योग शक्ति काल शक्ति के अंडर आई जी, मतलब काल शक्ति यानी कि ये समय का खेल, लाइफ इज अ जर्नी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये हमारा जो जीवन है, जो जीवन मिला, मानव जीवन मिला और फिर मानव जीवन बन करके हमारा डेस्टिनेशन हमें क्लियर नहीं होता है, किसी को भी क्लियर नहीं होता है। तो जब उसका रिजल्ट आता है तो तब हमें पता चलता है कि मेरा जो उद्देश्य था है, मैं क्यों जो है ना जिन चीजों को देखती थी मुझे उसमें वो टेस्ट नहीं आता था, जो टेस्ट लोगों को आता है मैं सोचती हूँ इसको टेस्ट क्यों आता है, मेरे को उसमें कोई खास फन है ये। जैसे अगर जैसे कहते हैं ना कि कोई पिक्चर देख रहा है, पिक्चर मुझे बहुत पसंद थी बट मैं उस पिक्चर में भी उस आशिकी को ढूंढा करती थी कि मेरी लाइफ जो नोगी, मैं एक नायिका हूँ, जस्ट लाइक जैसे मैं नॉवेल्स पढ़ती थी। अच्छा, मतलब वहाँ के जो हीरो हीरोइन नायक नायिका, हाँ, आप प्रभु को पूछती थी उसमें भी, मतलब मैं उस प्रेम वाले पात्र को ढूंढती थी कि प्रेम वाला पात्र बनने के लिए मॉडल कैसा होना चाहिए। जी, जी, जी। तो मॉडल अब यहाँ दुनिया में जब मॉडल ढूंढने गए, जब मॉडल ढूंढने गए तो मॉडल नहीं मिला, जो पिक्चर में होता था वो पिक्चर वाला ही होता था, लेकिन जब लाइफ में हकीकत जी तो वैसा कुछ नहीं मिला। ये नहीं है कि दुनिया के हिसाब से सब कुछ मिला बट जो मुझे चाहिए तो जो मैं मिस करती थी, जो मैंने एक छवि बना, एक आइडियल छवि बना रखी थी कि मुझे वैसा वाला गुणों वाला पति चाहिए जी। जो परमात्मा के अलावा कोई नहीं हो सकता। तो दीदी आप एक बात बताएं, ये कभी आपको बचपन में ऐसा फील हुआ था कि परमात्मा है, काश मैं नेवर, ये वो हमेशा 21 फरवरी ही रहा बट है। मैं मेरा क्या था जो बचपन से लेकर के नॉर्मल लोग जो पूजा करते हैं बट मैं जब बचपन में थी तो मुझे जरूरत से ज्यादा समझदार थी शायद। अच्छा, मतलब जो चीजें जैसे किसी को हर्ट नहीं करना है तो मैं इतनी अच्छी तरह समझ जाती थी कि ये हर्ट क्यों होता है, मुझे नहीं हर्ट करना है, चाहे मैं उसको समझा ना पाऊं, मैं सबको ना प्यार दूं। और मुझे होता था कि कोई मुझे प्यार करता है तो मैं ना उसका सारा काम करने को रेडी हो जाती थी। तो मतलब मुझे एक प्यार वाली छवि, जो इस समय मैं किसी तरह से भी गलत भी हो सकती थी, लेकिन जैसे होता है ना कि कृपा साथ होती है, तो जब मैं चूज कर रही हूँ तो वो बचाता चला जाता है। तो एक हर एक के अंदर वो छवि ढूंढना है कि भाई में भी वही ढूंढना, माँ में भी वही ढूंढना,
और माँ ने तो हाथ नहीं लगाया मुझे जी, आपने जैसा बताया। हाँ, वो मतलब मंदिर का प्रसाद खा खा के ही बड़े हुए। जी 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 जी। तो उस एटमॉस्फेयर में 2-3 साल भी मैं रह ली, तो नेचुरली है मैंने, मेरे को ये रियलाइज तब हुआ जब मैं ब्लेस्ड सोल बनी, तो परमात्मा ने ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ है कि आप तो वैष्णव हो गए थे, बट अब ना आगे वाली कि आपको सोल का भी देना था और परमात्मा के साथ भी आपको मिलाना था। ये मेरे को ब्लेस्ड सोल के बाद परमात्मा के साथ जो मेरी कन्वर्सेशन चल रही है, ये नहीं कि 10 ईयर्स में कोई भी एक ऐसा क्षण नहीं गया जी, जी, जी। कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो मेरी फेक पर्सनैलिटी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जो आपने ब्लास्ट की बात की, कयामत, जो पहले की बात की, जैसे कोई भौतिक पहले भी आती है तो कुछ भी नहीं बचता। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जब परमात्मा का जो आइडिया था, आइडिया उसका आइडिया था ये खेल बनाना जी, ये हमारा जैसे ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ग्राउंड में आए हैं जी, ये उसका ग्राउंड है, माया का ग्राउंड है, उसमें वो अपनी ही जो है ना मिस्ट्री किसी के थ्रू कहलवाना चाहता है जी, जी। लेकिन उसको वैसा पट नहीं मिलता है जी। तो जब तक वो श्याम पट नहीं मिलता है, श्याम पट तैयार नहीं होता है, श्याम पट वैसा नहीं हो, कंडीशन नहीं आती है, जैसे स्मार्टफोन नहीं बनता है तो कनेक्शन नहीं लगा पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे श्याम पट तैयार हो गया, मुझे नहीं पता था श्याम पट तैयार हो गया, जैसे जब कनेक्शन आया, कनेक्शन के साथ मेरी वार्तालाप चालू हुई, कयामत भी हो गई, और उसके बाद मंत्र हार्ट चक्र खुला, फट हृदय का दरवाजे खुल गए, यानी कि उसने अपनी सनातन शक्ति, शाश्वत शक्ति, कहां से मैं स्टार्ट हुआ और कहां तक, तू मतलब एक कुमार जैसे घड़ा बनाता है तो कलश कैसे बन गया मैं, पूजनीय कैसे हो गया कि मैं ही था वो, मैं परम होने पर परातम स्वरूप में, जिसको कहते परमात्मा का अंश था, बट मैं उससे, मुझे पता ही नहीं था मैं उसकी किरण हूँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब समेट करके जैसे अस्त हो जाता है सूरज, बिल्कुल, शाम को सुबह उदय होता है तो किरणें आ जाती हैं उसके नीचे, जब शाम होती है तो वही किरणें उसके अंदर सिमट जाती हैं, जैसे ऐसे ही परमात्मा का जो सुप्रीम विजडम है उससे हम किरण नीचे आई, प्रतिबिंब दिखता है, बट उससे जुदा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो अपना यहाँ पर माया का चमक दमक में जो है ना, उसकी आईज, उसके कान, उसके ये जो जितना भी नक्श शिक्षक बनाया हमें, वो बिल्कुल टोटली जो है ना विकार से पैदा होता है, जून से पैदा होता है, और परमात्मा जूनी जूनी अजूनी साहिब कहते हैं उसको, कि सब योनियों से फ्री है। तो मैंने इसलिए कहा आपको कि जब वो आया तो उसने मुझे शर का भी भेद दिया, अक्षर का भी दिया, ये दोनों कनेक्टिविटी योग माया की शक्ति से होती है। तो जैसे अर्जुन को जब कृष्णा ने विदिन सेकंड जो है योग शक्ति समझा दी थी कि तू आत्मा है जी, मेरे को ये कृष्णा ने स्वयं वार्तालाप के दौरान जो बातचीत चल रही है और जो आप सुन रहे हो, मेरा कुछ नहीं है इसमें, बट मेरा पट है उसको पसंद आ गया जी। और पट ही तैयार करना होता है जी। जिस पर वो अपनी कलम से अपनी मिस्ट्री लिख पाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही है रहस्यमय शक्ति आई। बहुत खूब। अब थोड़ा सा आते हैं इस भौतिक जीवन की बातों के लिए। हाँ जी। कि जो बीना दीदी हैं, बचपन में कैसी थी बीना दीदी? क्या वो एक आइसोलेटेड लड़की जो सरमाई सी? नो, पूरी शरारती। अच्छा, ओके। भाइयों में आज भी शरारती हूँ। जी 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 जी, पूरी शरारती थी उस समय भी, गिल्ली डंडा खेलना, बंटियां खेलने, पिट्टो गरम खेलने, कोई गेम नहीं छोड़ी। 10वीं तक मैं कोई सीरियस नहीं थी जी, जी। पर मेरी मदर का एक ऑपरेशन हुआ 10th में जी, उनका यूट्रस रिमूव हुआ, उस समय मैंने देखा उनको मेरी जरूरत है, मैं बहुत कंसर्निंग तब से थोड़ा होना शुरू हुई, उसको उठाती थी, उसको खिलाती। अच्छा, थी तो तब मुझे लगने लगा कि मैं सीरियस हुई जी। फिर कभी कभी आपको दीदी, आपकी जो जो एक टीनेज ही कहेंगे, जब आप हाई स्कूल में रहे होंगे, कभी संतों को देख के अच्छा लगा, साधु संतों को? ऑलवेज, हमेशा अच्छा लगा ऑलवेज, क्योंकि मैं अभी कह रही हूँ ना, मंदिर से आई तो वो हमारे घर भी आते थे जी,
तो वो जो मतलब आपका रूटीन ही था मंदिर में रहना ना, मंदिर में नो 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 ऐसा नहीं था, रूटीन में ही नहीं जाते थे। मेरी मम्मी ने घर में ही मंदिर बनाया हुआ था, मंदिर इन द जस्ट जैसे हम सब लोग बनाते हैं, तो वहीं पर संध्या आरती भी होती थी, मॉर्निंग में भी मम्मा मेरी कभी भी किसी के घर कुछ नहीं खाती थी। अच्छा, मतलब उसको वैष्णव भक्त कह सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो उनके उनका नेम जो है आत्म देवी रहा है। अच्छा। तो और पापा का नाम विशन दास रहा है, तो वो मतलब दोनों इतने जेंटल कह सकते हैं, मतलब अध्यात्म मतलब कोई वो नहीं है, बहुत सीधा है इंसान, तो लेकिन भक्ति करते हैं, बट उनको जिस तरह की भक्ति है कि मॉर्निंग में अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, गीता पढ़नी है, सुखमनी साहिब का पाठ करना है, सारा कुछ पाठ करके उसके बाद वो चाय लेते थे जी। और तब तक तो हम सोए रहते थे। तो आपका आपका रूटीन जो रहा है, जो आपका बचपन रहा है, वो हमेशा अध्यात्म से जुड़ा हुआ? हाँ, मैं उपवास करती थी, मेरी मम्मा करती थी, तो उस समय शो ऑफ में समझ लो, समझ के नहीं करते थे, बस वो नेचुरली हो रहा था, मतलब वो वैसे ही जैसे मैं कृष्णा बन जाती तो मैं भी करूं, मेरे को मतलब मैं बच्चों को इकट्ठा कर लेती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, मंगलवार हर मंगलवार को मैं पूरा का पूरा ढमढम दो घंटे बेकार में बोलती रहती थी। अच्छा, बोलती रहती थी। अच्छा, और आसपास के लोग मुझे कहते थे हैं कि इनके घर देखो पता नहीं क्या करती, ये जो इनकी बिटिया है, मम्मा को कहते थे ये बच्चों के साथ कीर्तन करती रहती है, आपके तो अच्छा है, मेरी मम्मी कहती क्या लोंदी रहती है सिर खा जाती है ये। लेकिन मैं मतलब मेरे को ये रहता है कहीं जगराता हो रहा है, मेरे घर के आसपास रिहर्सल करते थे, तो मैं चांदनी रात में भी बैठ करके वो भजन जो बोल रहे होते थे मैं उसको उतारा करती थी, मतलब वो उसको मैं गाया करती थी, फिर मतलब गाती तो रहती थी। आपका शौक गाने का, भजन गाने का, भजन का, उसमें इंटरेस्ट का और कृष्णा बनने का, अरे वाह, यहाँ तक कि मैं सारी चुनिया उठा लेती थी और उस जैसा स्टाइल बनाने लेके खड़ी हो जाती थी, और मुझे इधर उधर से ये रहता था कोई ना रास करे, अरे वाह, कोई रास करके दिखाए, बट कोई मिलता नहीं था ऐसा, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या खोजती हूँ। जी जी जी। अब बात करते हैं दीदी को क्या पसंद है खाने में, क्या खाती थी आप बचपन में और क्या पसंद है आपको खाना? मैं सारा कुछ ही खाती थी। अच्छा। बट जैसे होता है कि वैष्णव भक्त के घर के अंदर जो चीजें बनती हैं वो सब खाती थी। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपको ट्रेवल करना पसंद है, अलग अलग शहरों में ट्रेवल करना जाना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई मिल गया कोई ले गया, मैंने कभी ट्रेवलिंग करी नहीं है इतनी, कभी मैं बहुत छोटी थी जब मैं वृंदावन गई थी, आज तक फिर गई नहीं, अब बड़ा वृंदावन आ गया, अखंड वृंदावन प्रगट हो गया, तो पता चला इस वृंदावन को देखने जाते तो शायद इधर की हो जाती, बड़ा वृंदावन हृदय का, हृदय जो है ना अखंड वृंदावन जी, उसको अखंड वृंदावन के नाम से जाना जाता है, जब हृदय का दरवाजा खुल जाता है उसको अखंड वृंदावन कहते हैं, उसमें हमेशा परमात्मा की कृपा बरसती रहती है, इश्क बरसता रहता है, महारास है वो, मतलब एक बिछड़ी हुई आत्मा का पुनर्मिलन होगा। जी जी जी। तो वो पुनर्मिलन दीदी, आप ये बताएं बीना जी कि आप ओशो का भी जिक्र करती हैं, उनकी उनके ग्रंथों का जिक्र करती हैं? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि जब मैं यंग टाइम में थी तो कोई हमारे यहाँ आए, तो उन्होंने पकड़ा हुआ था ये बुक पकड़ी हुई थी। अच्छा। तो तब तक मेरी कोई दृष्टि इतनी विशाल नहीं थी, जो लोगों से सुनी हुई बात थी कि ये तो जो है ना अलग से ही है कुछ। हाँ, है, मतलब वो लोग उसके माइंड को नहीं पढ़ पाते थे, मतलब सारी चीज सारे एक होता है ना, आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया या थोड़ा सा आधी अधूरी नॉलेज ले लिया, जैसे मैंने सुना तो मैंने उस चीज को जो है ना कभी मतलब लाइक नहीं, लाइक इन द सेंस मुझे पता ही नहीं है, बट एक दिन मैं अष्टावक्र गीता पहले भी पढ़ा था और मैं उस दिन भी अष्टावक्र गीता ही खरीदने गई थी। तो आपने अष्टावक्र गीता स्वाध्याय कर लिया है? उसका मैंने अध्याय, मेरी ऐसा सोच लो कि गीता क्या है और अष्टावक्र गीता क्या है, गीता भी मैंने पूरी तरह से अगर पढ़ी भी मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन अष्टावक्र गीता जो है मेरे को पता चला अष्टावक्र गीता होती है, तो मैं लेकर के आई डायरेक्ट
डायमंड पॉकेट बुक्स की थी, तो वो मेरे को बड़ी अच्छी लगी क्योंकि उसमें वो जो क्वेश्चन है अष्टावक्र के साथ वो मेरे को काफी अपील किए और मैंने अपनी किसी फ्रेंड को दे दी। दोनों बार मैंने अपनी फ्रेंड को किसी को दे दी। मैं पढ़ रही थी तो उसने कहा, मैंने कहा आप पढ़ लो कोई बात नहीं, तो मैंने तो पढ़ी है, बट उसके भेद नहीं खुल पाते पढ़ करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसके बाद एक दिन मैंने मेरे मन के अंदर आया, मैं ना अष्टावक्र गीता ना एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्वर्वी 2013 की बात बता रही हूँ, उससे लगभग नियर अबाउट 3 मंथ्स पहले, लगभग 2.5-3 मुश्किल से। तो मैं जब लेने गई तो मैं वहाँ बुक्स वाली शॉप पे मैंने उसको कहा कि अष्टावक्र गीता दे दो। हाँ। तो उसने कहा कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि कोई अवेलेबल नहीं है अष्टव, मतलब ऐसा ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि ना ओशो की अष्टावक्र गीता है, उसके में भी उसने मेरे को कहा कि उसमें भी एक पढ़ी है 7 वाला है, तो फर्स्ट वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि एक बार दिखाना, तो उसने मुझे दिखाया, मैंने ओनली 1 पेज पढ़ा, मैंने कहा जितनी भी बुक्स हैं सारी दे दे मेरे को।